अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नदीम बर्ड्स क्लब चैनल में खुश आमदीद। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो हज़रात मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाएँ ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए, और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो आए व्यूअर्स, आज मैं आपको नुस्खा बताता हूं और कैसे बनाते हैं वो भी बना के दिखाता हूं, तो ये मेरे साथ बने रहें। तो ये नुस्खा जो है मुर्गी को सर्दी से बचाने का नुस्खा है, जो अभी मैं आपके साथ आपके सामने बना के आपको दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो व्यूअर्स, ये 1 लीटर की बोतल है, तो 1 लीटर पानी में ही बनाना है। तो मैं आपके सामने ये इसमें से इस पटरोटे में पानी डालता हूं और इसमें जो जो चीज़ें मैं ऐड करूंगा बना के, तो वो भी आप देख लेना। मगर इस पटोटे में ये पूरा पानी नहीं आएगा, इसमें से थोड़ा पानी आएगा जो मैं अभी इसमें डालूँगा। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं, तो ये मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। ये व्यूअर्स इसमें पूरा नहीं आएगा, ये देखें व्यूअर्स इतना बच गया है। मगर ये जो पानी है बना के आप इस पानी के अंदर मिक्स कर लेना, फिर ये 1 लीटर का नुस्खा बन जाएगा। तो व्यूअर्स आप ये देख रहे हैं, ये 8 अदद काली मिर्चें आपने लेनी है, 8 अदद, ठीक है। तो इस पानी में इसके ऊपर घीस के इस पानी में मिलाना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसमें इसको घीसता हूँ और या फिर इसको कैसे मिलाता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कैसे घिस रही है। तो व्यूअर्स अगर हाथ के साथ नहीं होता तो इसके साथ कर लेना, आहिस्ता आहिस्ता घिस के। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं घिस रही है। तो व्यूअर्स देखें आप, तो मैंने इस पत्थर के साथ इसको घिस रहा हूँ। तो देख लिया व्यूअर्स, आपको नज़र आ गया ये काली मिर्च कैसे मैंने बिल्कुल घिस के बिल्कुल पतला पतला हो गया। तो ऐसे ही व्यूअर्स दूसरी मिर्ची रखनी है काली मिर्च, उसको भी ऐसे ऐसे पत्थर की मदद से आपने घिसाना है, घिसना है, बल्कि इस तरह ये भी घिस जाएगी।
तो व्यूअर्स अब मैंने दो रख ली हैं, अब आपके सामने दो रख ली हैं। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है कि कैसे मैं इसको घीस रहा हूँ। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं, मैंने पूरी इसमें काली मिर्चें इसके ऊपर घिस ली हैं और अब इसको जो है दो बाकी रह गई हैं, आठ अदद थी तो ये दो ये रह गई हैं। अब ये दो मैं आपके सामने फिर ऐसे थोड़ा सा व्यूअर्स पानी डाल लेना। तो व्यूअर्स आपने देख लिया है, तो व्यूअर्स आपने देख लिया। अब इसके ऊपर मैं व्यूअर्स ऐसे पानी डाल के इसको नीचे इसको व्यूअर्स मैंने साफ कर लिया, इसमें से तो उतर गया। अब इसमें से देखें व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे पानी का रंग भी चेंज होता जा रहा है। अब व्यूअर्स हमने इसमें एक लौंग डालना है जिसने, तो ये देखें एक अदद लौंग लेके वो भी इसमें घिस देना है आपने। पहले पानी में से गीला कर लें, अब फिर बाद में उसको इस पर रख के घिस दें, जैसे काली मिर्च को घिसा ऐसे इस लौंग को भी घिस दें। तो एक लौंग व्यूअर्स लेना है आपने, आठ अदद काली मिर्चें, एक अदद लौंग, इनको ऐसे ही पानी में आपने घीस लेना है। अब देखें व्यूअर्स, ये भी घीस दिया मैंने, आप देख रहे होंगे, और आप ये देखें कि पानी का रंग बदली होता जा रहा है, जैसे जैसे इसमें घिसते जा रहे हैं तो बदली होता जा रहा है। फिर व्यूअर्स इसमें ऐसे ही पानी डाल के इसको ऐसे करके तो व्यूअर्स ऐसे साफ कर लें। और इसके बाद व्यूअर्स एक थूम ले लेना है आपने, एक अदद थूम
ज़्यादा नहीं, बस एक अदद थूम लेके वो भी इसी तरह आपने घिस लेना है इसमें, इस पानी में ऐसे उसका छिलका उतार लें। तो ये देखें व्यूअर्स, ऐसे ये थूम को साफ़ कर लेना है और ये इस किसी तरह इसी तरह इसके इसमें घिस लें आप। देखें व्यूअर्स जैसे घिस रहे हैं, ये देखें व्यूअर्स आप देख रहे हैं मैं घिस रहा हूँ इसको। देखें इसका इसमें अर्क निकल के आ रहा है, देखें आप, ये देखें अर्क है ये। ये देखें व्यूअर्स आप देख रहे हैं कैसे इसका अर्क आपको नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स इसके साथ भी मैंने पीसना घिसना शुरू कर दिया ताकि जल्दी हो जाए। आप देख रहे हैं व्यूअर्स पानी का रंग भी व्यूअर्स बहुत चेंज हो गया है। देख लिया अभी, बस देख लें थोड़ा सा बाकी रह गया अब ये थूम। अभी बस देख लें अब थोड़ा सा रह गया ये, देखें व्यूअर्स।
तो व्यूवर्स आपने देख लिया है, मैंने इसमें जो है आपके सामने 8 अदद काली मिर्चें और 1 अदद लौंग और 1 अदद थूम इसमें मैंने घीस के ये मैंने पानी बना लिया है। अब आपने ये पानी जो है इस ऐसी बोतल में 1 लीटर बोतल में मिला लेना है, मिला के और अपनी मुर्गियों को सुबह दाना डालने के बाद रखना है। जो रात को आपने उसका पानी निकाल देना है, फिर सुबह आपने उसके डब्बे में ये पानी रखना है, तो बाद में जो है वो पिएंगी इंशाल्लाह। अब जो है ये जो है ना, यानी के सर्दी मुर्गी को जो है ना सर्दी सर्दी में बचाएगा, यानी कि सर्दी नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सर्दियां ज़्यादा पड़ रही हैं तो आपने उसको ये पानी पिलाना है, तो आपकी मुर्गियों को सर्दी नहीं लगेगी रात में। अब सीज़न आने वाला है, अब अगले महीने से सर्दियां ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये नुस्खा है जो मैंने आपके सामने बनाया है। आप बना के अपनी मुर्गियों को रखें तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियों को सर्दी नहीं लगेगी और सही रह जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अपने नदीम भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आएंगे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।